नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं सेल्स लेटर। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे सेल्स लेटर और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट कॉलेज एडमिशन, यानी कि कॉलेज में एडमिशन के रिगार्डिंग आप सेल्स लेटर किस तरीके से लिखते हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको टॉप में लिखना होता है करेंट डेट, जैसे कि आज का डेट जो है वो है 18th of May 2022। तो जिस भी तारीख को आप लिख रहे हो ये लेटर, उस तारीख को आपको सबसे टॉप में लिखना होता है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे रिसीवर का नेम। रिसीवर का नेम कुछ भी हो सकता है, अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं दिया गया है तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई सा भी नाम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है मिस्टर श्री राम वर्मा, ठीक है। उसके बाद VPO पटना, उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट बिहार है हमारा, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रिक्ट बिहार। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड लिखना है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर एक लाइन लीव करना है। एरो यहाँ पे मैंने बनाया है, तो एरो का इंडिकेशन है कि आपको यहाँ पे एक लाइन लीव करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? डियर मिस्टर वर्मा, ठीक है, क्योंकि हम ये लिख रहे हैं किसको? मिस्टर श्री राम वर्मा को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डियर मिस्टर वर्मा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक लाइन लीव कर देना है। आफ्टर लीविंग अ लाइन ओवर हियर आप यहाँ पर लिखोगे बॉडी, ठीक है। सेल्स लेटर में सब्जेक्ट नहीं होता है, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। तो आप लोग सिंपली स्टार्ट करेंगे डियर मिस्टर वर्मा के बाद से। आपको एक लाइन लीव करना है और फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आर यू लुकिंग फॉर एन इंजीनियरिंग कॉलेज विच हैज़ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? आर यू लुकिंग फॉर एन इंजीनियरिंग कॉलेज विच हैज़ द बेस्ट फैकल्टी? देन योर क्वेस्ट एंड्स हियर। यानी कि क्या आप एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज को तलाश कर रहे हैं जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो? क्या आप एक ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे हैं जहाँ पे फैकल्टी सबसे ज़्यादा बेस्ट हो? तो आपका इंतज़ार जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे पैरा को चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे अपने कॉलेज का नाम। जो भी आपके कॉलेज का नाम है, आप अपना कॉलेज का नाम रखना चाहते हो वो आप लिख दोगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेंट मारी दत्ता इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेंट मारी दत्ता इंजीनियरिंग कॉलेज इज़ अ होम अवे फ्रॉम होम फॉर आइदर स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टूडेंट्स। तो जो सेंट मारी दत्ता इंजीनियरिंग कॉलेज है वो एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा हम बताएंगे। इट प्रोवाइड फ्री बुक्स टू इट्स स्टूडेंट्स। इट प्रोवाइड्स थ्री फ्री टूर्स इन अ ईयर। तीन आपको फ्री में टूर प्रदान करता है। आई एम इंक्लोजिंग ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद दिस लेटर। दे आर सेटिस्फाइड विद एम्बिशंस ऑफ दिस कॉलेज। उसके बाद फिर आप यहाँ पे एक लाइन फिर से छोड़ोगे, पैरा को आपको यहाँ पे चेंज करना है। एंड देन यू विल राइट इफ़ यू अरेंज टू टेक एडमिशन ऑफ योर वार्ड बाय 31st of July 2022 वी शैल गिव 25% रिबेट इन एडमिशन फी। जैसे आपने कोई TV वगैरह में देखा होगा कि किसी भी कॉलेज का जब आप देखोगे कि एडमिशन के रिगार्डिंग या किसी भी एक बड़े स्कूल का देखोगे तो उसमें ऐसे ही स्टार्ट होता है ना कि क्या आप एक अच्छा एक स्कूल देख रहे हो जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, फैकल्टी बढ़िया हो, ठीक है। तो आपको सुनते ही लगता है कि यार बहुत ही अच्छा स्कूल होगा, बहुत ही अच्छा कॉलेज होगा, इसमें तो एडमिशन लेना बनता ही है। तो उसी तरीके से आप भी थोड़ा सा कैची वर्ड्स यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर आप अपने बच्चे का जो एडमिशन है 31 जुलाई तक ले लेते हो तो हम आपको 25% रिबेट करते हैं, फ़ी में आपका कम कर देंगे, कंसोलेशन कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उस तारीख से बाद में लेते हो तो उतना पैसा आपको वापस देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी लेकर के उसको लगेगा कि यार बच्चे का एडमिशन पहले ले लेते हैं, पैसा भी हमारा कम लगेगा और बच्चे का ईयर भी बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो? कम विथ योर वार्ड एंड लेट हिम ज्वाइन दिस कॉलेज एज सून एज पॉसिबल। फिर हम लिखेंगे कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आप अपने बच्चे को लेकर के आओ और इस कॉलेज में एडमिशन कराओ जितनी जल्दी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक लाइन लीव करना है। एंड देन आप लिखोगे यहाँ पर योर सिंसियरली अपना नाम, ठीक है। अगर आपका वहाँ पे लिखा हुआ है अमरनाथ चट्टोपाध्याय, प्रियंका गुप्ता, जो भी नाम लिखा हुआ है आपको यहाँ पे लिख देना है और प्रिंसिपल लगा देना है। दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर अप किया है सेल्स लेटर, कि कॉलेज एडमिशन में आप किस तरीके से लिख सकते हो। एंड आई रियली होप कि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो
तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड अगर आपको कोई सभी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।